अस्सलाम वालेकुम सत बिस्मिल्लाह जी आयां नूं कहिंदे जी सारे सजना मित्रां बेलियां सहेलियां दियां सहेलियां कुछ मसरूफ ते नाले कुछ बेलियां नूं मैं कहा जी भाई जान मेहरबान कदरदान एवें नहीं होना परेशान थोड़ा जिहा साडे वल कर लो ध्यान आ गया तुहाडा मेज़बान मुहम्मद अमनान तुहाडे नाल और प्रोग्राम नूं कहिंदे ने जी रौनक मेला और 2:07 का हो गया वेला तकरीबन रहांगा मैं 4 बजे तक तुहाडे नाल और गलबात करांगे अज दी चंगी गलबात दे नाल जिहड़ा शुरुआत करदे आ और ओह इह है कि कहते हैं कि कर भला तो होवे भला यानी कि अगर तुसी किसी नाल चंगा करोगे तो तुहाडे नाल भी चंगा ही सलूक होगा और अगर किसी नूं तुसी धोखा करोगे डिच करोगे या फिर उहदे नाल कोई गलत करोगे किसी नाल तो फिर तुहाडे नाल भी माड़ी होगी। लेकिन जनाब यही गलबात आखी जाती कि किसी नाल बाड़ा करन तो पहले यह गल सोच लो कि रब की अदालत दे विच जिहड़ा ना सिफारिश नहीं जे चलती उथों इंसाफ पूरा पूरा होना है ते ए सोच के किसी नाल माड़ा करियो के फिर अपने ते वारी आ जानी है। बरहल जनाब जद होमन नीता साफ ते मुक जांदा ए रोला हर फन मोला और बहुत जबरदस्त एक कलाम थोड़ी नजर करना चाहांगा कोक स्टूडियो 2020 चो एक कलाम और सुनते रहना हमारा करिए फिल्म स्टार में। इस तो बाद मुड़ के आवांगे फिर होवेगी होर गलबात एंड मैनू कहंदे ने मोहम्मद अमनान एंड आई एम म्यूजिकली योर्स एंड योर्स एंटरटेनर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीपल। की हाल चाल है किदा सुने हो मैं क्या सुना फिट फाट हो लाश पाश एकदम मजे च। अच्छा जी और नियाज अहमद साढ़े नाल वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हाँ फिट फाट एकदम मजे च और तुसी भी ठीक होवोगे उम्मीद करदा और सब नु सलाम कहंदे ने जी वालेकुम अस्सलाम। इस अलावा जिन्ने भी लोगों ने सानू वेखना स्टार्ट किया उन्होंने सारे भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम च। ਪੰਜਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਸੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਸੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਸਿਰ ਸੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬਣੇ ਸ਼ਾਲਾ ਪੰਜ ਤੋਲਾ ਹਰ ਅਨ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਮਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹਰ ਅਨ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਪਰ अच्छा जी वेलकम हो गया उन्होंने लोगों का जिन्होंने लोगों ने हले हले सानू ज्वाइन किया और अदील अहमद साढ़े नाल ने कहते ने कोई बारिश वाला सॉन्ग लगा दो प्लीज बारिश तो हो नहीं रही बारिश वाला सॉन्ग की करोगे। बहरहाल जनाब मैं कोशिश करांगा लेकिन अज तो असं गलबात थोड़ी जी फनी करने वाले हैं और अज का टॉपिक भी जो लैके आया वो भी फनी हैगा तो बहरहाल जनाब उसकी राय जी ना मैं दरकार होगी थोड़े को पूछांगे जरूर। यासिर अली आ गए ने कहंदे ने ना करसो जी। अच्छा जी ठीक है जनाब ला देंगे और कमरान अहमद ने जी वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम हो गया थोड़ा भी। Thank you.
अच्छा जी, होर इधर कौन कौन रहा? यस रली साहब, ठीक है जी, आपस से जड़ना मगर कहते ने मलेशिया च बारिश हो रही है। अच्छा जी, वधिया हो गया फिर ते। ਹਰਪਨ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹਰਪਨ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਹਰ ਦੇ ਛੋਲਾ ਹਰਪਨ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹਰਪਨ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦੇ ਛੋਲਾ ਹਰਪਨ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ अच्छा जी, बाकी दे भी तुहाडे जिहड़े मैसेजेस ने वी शामिल करांगे। बस निक्की जिही ब्रेक है और ब्रेक तो बाद असीं आ रहे हां वापस ते फिर गलबात करदे हां। हां जी, मैं क्या सजना मित्रों बेलियो सहेलियां दियो सहेलियों कुछ मसरूफ ते नाले कुछ वेलियां नू जी आए नू सत बिस्मिल्ला प्रोग्राम रौनक मेला विच मोहम्मद अमनान थोड़े नाल। और जरा तुसी साडे नाल लाइन ते कॉलर आ गए ने बगैर नंबर दसी हुए आ गए ने, पहले इन्हां नाल गल करांगे, इन्हां दी गलबात सुनांगे, फिर बाकी गल्लां होणगीआं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन आते कित्थों गल करदे जे? इरम बात कर रही हूं। इरम वेलकम हो गया थोड़ा रौनक मेला विच, ते इरम की कहना चाहते ने? हेलो, और जी इरम दी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, दोबारा ट्राई कर लेना जी 0537-6190-61 और इतने कॉल करके शामिल हो सकते हो। अच्छा थोड़े मैम सुने भी जो शामिल करना चाह रहे थे कौन कौन कितने कुछ आ रहा है। और अदिले मंदे कहते हैं जी भाई जी कोई गल नहीं सुना दियो, उत्थे बारिश हो रही मलेशिया इस वास्ते बहुत याद कर रहे हैं खारिया नू। अच्छा जी ठीक है जी, और जट सुहेल साहब ने जी मंडीर तू साडे नाल, और बहुत शुक्रिया जनाब। इस अलावा सारे लोगों जिन्हें लोगों ने ज्वाइन किया और कॉलर दोबारा आगे गल करेंगे। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन आते कितों? जी जी अस्सलाम वालेकुम, कौन ते कितों गल करते हो? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही थानू? जी ठीक ठाक, कौन हो तुसी? अच्छा कोटले तू, जी आया नू कहने की कहना चाहोगे? हाय, तो लॉकडाउन तो सारे पासे लग गया, तुहाडे वाले पासे को वखरा ते नहीं लग गया? हालात बहुत खराब ने, की करना चाहिए वो जे हालात? हाँ जी, शिकंजवी पीनी चाहिए या गुड़ वाला शरबत पीना चाहिए? की करना चाहिए? शिकंजवी पीनी चाहिए या गुड़ वाला शरबत पीना चाहिए? की करना चाहिए? ला दियो, कितों ला दियो? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखियो, दुआ याद रखियो। बस जी वेख लो, आवाम दे इस हद तक जो है ना आवाम
अक चुकी है इस हुकूमत तो। बहरहाल हुकूमत तो पता नहीं कदों ख्याल आएगा। अच्छा जी गल बात यह मैं दसना चाह रहा कि तरीक जी पंजाबी महीनिया की दस चलिए थोड़ा कि 25 तरीक होगी चेत के महीने की। ठीक है जी चेत का महीना भी मुकता जा रहा है। इस अलावा बुध 23 शवाल मजहब 1442 हिजरी 7 अप्रैल 2021 गुजरा कह लो जे लोग आ रहे खारिया वालों उन्होंने वेलकम करते हैं और जे लोग जा रहे इस शहर छड़ के किसी होर शहर या किसी काम कार जा रहे उन्होंने कहने जी फे माने लगा हैरवा फे तुम जाओ और अपनी मंजिल मकसूद तक तुम अपड़ जाओ पहुंच जाओ। और अच्छा जी इस तू इलावा जनाब मैं थानू जी अज की गलबात बहुत मजेदार जी कोविड आया लॉकडाउन होया फिर जनाब मास्क ना बहुत ज्यादा पाबंदी हो गई कि मास्क लाए बगैर किधरे भी नहीं जाना किधरे एंट्री भी नहीं किसी हर जगह ऑफिशियल हूं तो कह लो कि हर जगह से इदा ही जरा हो रहा वे। अच्छा तो जरा देखा जाए मास्क हर बंद ने लाया उस बाद फिर जनाब कंपनियां जड़िया ब्रांड्स जिन्होंने आख्या जाता है ब्रांड्स ने किया कि अपने अपने ब्रांडेड मास्क भी बना ले बस कंपनियां वेखो कि आइडिया हो गया हूं लोग लाने ने यह चीज बनाओ यानी कि जिस तरह का दौर होंगे ना लोग कारोबार भी अपने उदा के कर लेंगे। लेकिन मास्क के हवाले एक बहुत मजेदार चीज जी कि मेरे जहन चाहिए बैठे कि थोड़े नाल करांगे गलबात और तुहाडे कोल पुछांगे तुहाडी राय जी है ना वो जानने की कोशिश करांगे कि अगर मास्क के उत्ते कुछ लिखवाना हो फर्ज करो तुहानूं यह आख्या जाए कि तुसीं जिहड़ा मास्क पाना है मुंह ते उहदे ते कुछ लिखवाना है तो तुसीं किहड़ी गल लिखवाना चाहोगे जिदा कि अक्सर जगह से टैगलाइनस या कैप्शन लिखे होंगे ने ते तुसीं किहड़ा कैप्शन देना चाहोगे अपने मास्क उत्ते की लिखवाना चाहोगे अपना नाम लिखवाओगे या कोई इदां दी लिखवाओगे कि तू लंघ जा साडी है रे या कोई इस तरह का फिकरा लिखवाना चाहोगे की लिखवाना चाहोगे यह दसना मैनू और दसन बुझन लई तुसीं मैनू कॉल कर सकते हो 0537601961 यानी कि 0537601961 ते और अगर तुसीं करना होवे व्हाट्सएप या डीएम ते फिर तुसीं करना 0302-395-9997 और facebook.com/hkfm97 हमारा खड़ी एफएम 97 दा ऑफिशियल पेज नूं फॉलो करो लाइक करो ज्वाइन करो और साडी लाइव ब्रॉड जल्दी पेगा उस जाके सानू वेख भी लो वेखना चाहते होते ते फिर शामिल हो सकते हो साडे नाल। और मुनव्वर हुसैन शाह ने कहते नाइस कंपेयरिंग जी बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। और लाइन ते अगले कॉलर आ चुके ने इन्हां नाल गलबात करांगे देखांगे कौन आते कितों। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कौन आते कितों गल करदे जे। हमजा नू वेलकम करदे आ प्रोग्राम विच की हाल चाल है हमजा ते कौन तुहाडे नाल है। मेरे नाल कोई नहीं है मैं रोड ते अपनी शॉप के बरांडे में खड़ा हूं। ओए होए शॉप के बरांडे में आप क्यों खलोते हैं बाहर आपको धूप लगती है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा हमजा हमजा तुहानू जे अगर आख्या जाए कि जेड़ा तुसी मास्क पाए है एदे उत्ते कुछ लिखा लो ते की लिखाना चाहोगे। आए हाय हाय दिल कट लिया क्या बात है मैं कह जी छा गए तुसी। अच्छा एफएम 97 लाओगे इतनी मोहब्बत जनाब इन मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और इस अलावा कुछ कहना चाहो तुसी। आवाज घट आ रही है नहीं अद ते मेरे हाल ते बत्तियां छतियां सारा कुछ दस रही कि सही आ रही है। अच्छा अच्छा हमजा मैनू ये दसो कि एक तरफा मोहब्बत जेड़ी है वह भी ठीक रहती है या मोहब्बत दोवे पासे तो हो फिर ही होनी चाहिए। लेकिन बाबा बुले शाह नहीं फरमाते हैं दिल दे के ते दिल लैण की आस रखी प्यार एजा किया कि बाबा बुले शाह के खिलाफ ने वह कहते ने कि तुम जब दे छड़े तो फिर भूल जाओ कि अगला करे ना करे। अच्छा हाय क्या बात है तो फिर तुम शॉपिंग कराते हो या इजी लोड कराते हो। मैनू इजी लोड करा दो चलो शॉपिंग करा दो लो व्यूअर्स एंड लिसनर्स हमजा कह रहे हैं कि मैं शॉपिंग भी कराएंगे इजी लोड भी कराएंगे इस गल से कायम रहना तुसी। सर बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी तुसी अपने मास्क उत्ते एफएम 97 लिखा लिया सानू होर किसी चीज की जरूरत नहीं ते जिंदे हसते वसते रहो सिरा च तेल चसते रहो। अच्छा ठीक है जनाब वेखते हैं इस गल के बारे च भी गौर फिक्र करते हैं ते आवाज भी थोड़ी जी बच जाएगी। अच्छा जी 2:21 का वेला हो गया और प्रोग्राम नू होर भी मजेदार बनावांगे और होर मजेदार बनेगा उदो जब तुसी करोगे लाइव कॉल्स। जी हाँ जी ते 0537601961 ते आजो छेती छेती होर मैनू दसो कि अगर थोड़ा फेस मास्क जेड़ा तुसी यूज करते हो उहदे ते कुछ लिखाना पवे ते की लिखाना चाहोगे। और कॉलर आके ते फिर जा चुके हैं। अच्छा जी दोबारा ट्राई करना जी 0537601961 नू और थोड़े इधर वाले मैसेजेस जेड़े ने वो शामिल कर दिए। तारिक अहमद कहंदे ने जी वालेकुम सलाम पूरी टीम नू सलाम भेजिया
और प्रोग्राम की तारीफ कर देने और आजाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट केड़ा वे हवेली तूने डिस्ट्रिक्ट हवेलियां या हवेली है वट एवर। अच्छा जी बहुत शुक्रिया। और इस अलावा 0302-395-9797 से सानू व्हाट्सएप या डीएम करना बिल्कुल नहीं भुलना। तो मैं ये भी दसना है कि मास्क अगर तुम जो लाते हो अगर तुम कुछ लिखाना चाहो तो की लिखाओगे। और इस तू इलावा तुसी मैंने दसना कि एक तरफा मुहब्बत जी है वह भी चल जाती है ठीक होंगी है या फिर मुहब्बत दोवे पासों तो हो फिर ही होनी चाहिए कल्या बह के सड़न की या कुड़न की लड़ नहीं। अच्छा जी तो या फिर अगर कल्या भी किसी है अगले नहीं है तो फिर भी ठीक है या की तुहाडा इस बारे की ख्याल है एक तरफा मुहब्बत के बारे। अच्छा जी तो हैमी चौधरी आ गए ने वालेकुम असलाम अलहमदुल्ला जी मैं ठीक ठाक फिटवाड़ लाश पाश मजे चा और कहते हैं सारे सुनने वाले सलाम वालेकुम असलाम जना पहुंच गया तुहाडा सलाम। और ते हां जी हुन मुंडे नु गीत मेरे याद जिवें स्कूल दी किताब बोहिमिया इन द हाउस राइट नाउ। हां जी थाडी नजर करांगे गीत ते सुनदे रहना हमारा खरिया फिर सानवे निका जे गीत दे बाद मुड़ के आवांगे फिर होगी और गल बात। अच्छा जी वेलकम करते हैं स्पेशली उन्होंने लोगों जिन्हें लोगों ने सानू हुने हुने ट्यून किया या वेखना शुरू किया या सुनना शुरू किया या साडा साथ देना शुरू किया उन्होंने सब का हो गया जी वेलकम प्रोग्राम च। और मैंने कहते हैं मुहम्मद अमनान थानू की कुछ कहते हैं छेती छेती मैंने दस दो और तुम मैं दो ऑप्शन से दे बल्कि तीन ऑप्शन से तुहाडे कोले फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी कमेंट कर सकते हो और जी मैं गल पूछी उसके बारे में अपनी राय दे सकते हो। इस अलावा सानू तुसी कर सकते हो व्हाट्सएप या डीएम 0302-395-9797 और लाइव कॉल करनी हो 0537-600-1968 ओके जी। और मैं एक दो चीजें इधर देख लाते फिर तुहाडे नाल होर गलबात करांगे। Alright, जी once again, welcome back, और अगले कॉलर करेंगे गलबात। अस्सलाम वालेकुम जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हां जी कौन थे कितों गल कर दे जे वकार फ्रॉम कोयटा वेलकम हो गया वकार की कहना चाहोगे तुसी मास्क उते की लिखाओगे FM 97 लिखाणगे जी दूजे बंदे ने भी यही कह के FM 97 लिखावांगे ठीक हो गए जनाब बड़ी मेहरबानी होर कुछ कहना चाहते हो माइया गीत माइये वाला गीत लावांगे असि ठीक है जनाब ओके जी रब रखा जी हुंदे हसदे वसदे रहो। और जनाब तुसी भी लाइव कॉल करना चाहते हो तो 0537-600-1968 ते अगले कॉलर आ गए ने गलबात करांगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कौन ते कित्थों गल करदे जे अली बेग साहब दा वेलकम हो गया प्रोग्राम से। अली बेग साहब पहले मैंने दसो की पे कर दे आए तुसी विलम विले बैठे हो कोई काम कार नहीं तुहानू ते कोई काम करया करो अज किथे लॉकडाउन है लॉकडाउन ते जुम्मे हफ्ते इतवार नू हुंदा है तुहाडा पक्का ही लॉकडाउन मेरे यार लग गया कुछ नहीं करना। अच्छा जी यानी कि तुहाडे जे बंदियां दे बारे च कहंदे ने कख भन के दोहरा नहीं करदा अच्छा नहीं तो वैसे मैं इस गल की समझ नहीं आती कख भन के दोहरा नहीं करता फर्ज करो बंदा कख भन के दोहरा कर भी ले तो फायदा की होगा
अच्छा मैनू ये दसो कि फेस मास्क जेड़ा तुसी लांदे हो उस मास्क उते कुछ लिखाना पवे ते की लिखाओगे कोई मजेदार जी गल तुसी ते लाओगे वेले लोग क्या बात है वेले लोग लिखाएंगे ठीक है जी ठीक हो गया होर कुछ कहना चाहोगे होर कुछ कहना चाहते हो ठीक है तो इमरान खान को हम थले ला देते हैं ला दें आप कहते हैं तो हम ला देते हैं नहीं थोड़िया बातों इन्ना कि असर होना चाहिए था अच्छा ठीक है जनाब बहुत शुक्रिया जी जस्ट फॉर दिस एक फन और बहुत मजा आया गलबात करके बहरहाल जनाब अगले कॉलर नाल भी गलबात करांगे 0537-601-908 ते मिला लो कॉल जिन्हें मिलानी है मिला लो कॉल और हाँ जी ते गलबात यह है कि जो फेस मास्क तुसी लांदे हो उते अगर तुहानू कुछ लिखाण दा मौका मिले ते तुसी की लिखाना चाहोगे ठीक है यह मैनू दसना है और अगले कॉलर आ गए ने मैं ते कमेंट्स पढ़न वाला सी अच्छा जी देखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम रेडियो दा वॉल्यूम घट कर दो और मेरी आवाज मैनू दोबारा आ रही है वापस ओह माय गुडनेस अच्छा जी दोबारा कॉल मिला लेना और साढ़े नाल हैमी चौधरी कहते ब्रो गुजरात में कवरेज नहीं आ रही और उन्होंने कोशिश की थी अच्छा जी मैं टेक्नीशियन नु कहना वा और इस तू अलावा आदिल अहमद ने साढ़े नाल कहते भाई मैं ए लिखवा देगा कि देख मगर प्यार से आया है क्या बात है जी अस्सलाम वालेकुम जी कौन थे कितू गल कर दे जे बात जी जी इमरान भाई आपका बहुत अच्छा है खड़िया सर बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश थी जजाक अल्लाह ते मेनू ये दसो तुसी आप भी बहुत अच्छे तुसी की काम करते हो भाई बहुत बिजी होने अच्छा मैं समझे हो रहे वेले होंगे हो हेलो अच्छा मेनू ये दसो मास्क उते की लिखाओगे तुसी अगर कुछ लिखाना होवे ते आई लव यू लिखा सड़ांगे आंदा जंदा बंदा पढ़े जेड़ा बंदा वेखे वो समझे मेरे वास्ते लिखाया सू क्या बात है यानी कि हर किसी नूं लगे कि मेरे नाल प्यार करदा है मेरे नाल करदा है यानी कि तुसी धारा कढ़न जाओ तुहाडी तुसी मझां चोण जाओ तुहाडियां मझां वी इही समझण के मैनूं आई लव यू कहिंदा पिया ठीक है अच्छा मैंने ये दसो जिस टाइम तुसी धारा कढ़न जांदे हो ते उस वेले मास्क ला के जांदे हो या ला छड़दे हो मज्जा है ही कोई नहीं मज्जा दा काम ही नहीं रखिया चलो कोई गल नहीं जिंदे हसदे वसदे रहो होर कुछ कहना चाहोगे वालेकुम सलाम जनाब थोड़ा सलाम पहुंच गया बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी कॉल मिलाने लई और फिलहाल जेड़ा ना वक्फे दा वेला आ गया जे और वक्फा लेना चाहांगा वक्फा बहुत जरूरी हुंदा है और चाहे वो जिंदगी च होवे चाहे बच्चियां च होवे या प्रोग्राम च होवे वक्फा बहुत जरूरी हुंदा है वक्फा लवांगे ते इस बाद मुड़ के आवांगे फिर होंगे और गला पता सुनदे रहना हमारा खड़गिया एफएम 97 और जी बहुत मजे मजे से कॉलर्स आ रहे हैं आज और प्रोग्राम नु मैं कह रहा कि चार चैनल लाउंदे पे आ ते तुसी कमेंट थोड़े जे घट कर रहे हो तो फिर एदा मजा नहीं आता तुसी कमेंट ज्यादा करने ने जोक शेयर करना चाहते हो कोई पंजाबी दी पोएट्री शेयर करना चाहते हो जरूर करना कोई चंगी गल शेयर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो और इस अलावा फेस मास्क उते तुसी की लिखाओगे कोई मजेदार जिहा कैप्शन कोई मजेदार जी टैगलाइन जेड़ा मैं पढ़ा ते मेरे को कह लो कि मैं कहवा कि इन्ना को हासा निकले कि कमरे हिल जान दीवारा और बिल्कुल जनाब ऐसा कोई गलबात दसो मैनू कोई मजेदार जहा दसो कोई बहुत इंटरेस्टिंग जरा हो और 0302-397-97 तो कुछ मैसेजेस आ रहे हैं वो भी शामिल करांगे और इस अलावा लाइव कॉल से थोड़े सामने ये के शामिल कर रहे हैं अच्छा जी बड़ी जल्दी आ गए वापस बल्ले 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 ते अद्धे बंदे छत ते ते बाकी बंदे रह गए थले जी आए नु कहने जनाब सारे सजना मित्रां बेलियां नू सहेलियां दियां सहेलियां नू चाचे मामे बुपियां ताईयां अते जिन्ना तुहाडे जम्मण उते खुशियां मनाईयां उन्हां सारियां नू ते छड़ियां ते कुवायां नू कुवारियां नू ते व्याहियां होया सारियां नू प्रोग्राम च वेलकम करदे आ और देखदे अगले कॉलर कौन ने साडे नाल हैलो हेलो कोई बंदा नहीं जी टू टू होगी कोई गल नहीं जी दोबारा कॉल भी लाना 0537-601-908 ते होर आ जाना फटाफट आ जाओ
और मेला लग्या होया, रौनक लगी हुई है, आते इधर मैसेजेस भी जरा ब्लिंक करते रहा, ते वो भी शामिल करांगे, जरूर करांगे जनाब। लेकिन इधर देखते हैं जी कौन कौन आ गया। और जमरूद नायक ने कहते हैं मिसिंग आरजे गुल विद पहला पहर। ओके शवायान कहते हैं जी इमरान खान वाली गलते बहुत हंसी आई इन्हों। और अरिश्ता हुनैन ते रेड चिली ते कोमल रियाज में बुलाते पे ने। और जमरूद नायक कहते हैं आई वुड लाइक टू राइट नो एंट्री और रिस्ट्रिक्टेड एरिया। क्या बात है, जमरूद नायक लिखवान गए अपने फेस मास्क उत्ते नो एंट्री या फिर लिखवान गए रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी कि इधर दाखिला मना है, इधर नहीं जा सकते अभी। ठीक हो गया जी, गुड हो गया, मैं क्या जी एकदम जबरदस्त हो गया। इस तू इलावा जनाब थोड़े मैसेजेस शामिल कर ली क्योंकि कॉलर दे मेरे ख्याल ही आ रहे हाले। अच्छा जी, कॉलर कॉल मिलाने वास्ते 0537-601-960 साडा नंबर ओही आ, ते छेती छेती नाल आज जो ते शामिल करांगे जनाब थोड़े जरूर सुने वे। अच्छा जी, और इधर देखते हैं कि किन्ने सानू मैसेज कर लिया ते की कुछ कहना चाहिया। अच्छा जी, और वालेकुम सलाम अफशर रसूल ने जी, और साडा शो इन्हां चंगा लगदा, बड़ी मेहरबानी, कहने चंगी गल्लां करदे हो। और इस तों इलावा जैगम भाई वास्ते दुआ करो, उन्हां दी परेशानी खत्म हो जाए अल्लाह ताला। तो जैगम भाई दी इहदे नाल जिन्ने साडे मुसलमान भैणां भाई उन्हां दी जिन्नियां परेशानियां सारियां दूर फरमा दे, आमीन सुम आमीन। और आयशा वास्ते भी दुआ करदे हो, अल्लाह ओहदियां अखां ठीक कर दे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह आयशा दियां अखां ठीक कर दे, रसला जिन्ने भी लोकां नूं कोई भी मर्ज़ है अल्लाह साहब दू जरा ना शिफाए कामला अता फरमाए। और इस तो अलावा जी साद मलिक ने साडे नाल, और चंगे हैं जना जी, ठीक ठाक हाँ असी, साडा हाल तुसी पुछया, और कहंदे ने ओ साडे नाल बोलना छोड़ वड्याई। अच्छा जी, अच्छा जी, ये गीत कहंदे ने ला दियो। चलो जी साद मलिक साहब, मैं कोशिश करांगा, ठीक है। और इतने बड़े मैसेजेस आ गए। अच्छा जी, और समानी तो इस्मा नूरीन ने साडे नाल प्रोग्राम की तारीफ की, साडा हाल पूछा, बहुत शुक्रिया। और कहंदे ने उर्दू वाले नहीं ना, उर्दू वाले नहीं ना, उर्दू वाले नहीं, ते बाकी पंजाबी च अगर पोएट्री तुसी कल देते मैं जरूर शामिल करनी सी। ठीक हो गया जनाब, बड़ी मेहरबानी। बाकी व्हाट्सएप भी शामिल करांगे थोड़ी जी चिरा नू। और इधर मोहसिन अवान आ चुके ने साडे नाल जी, वेलकम हो गया मोहसिन अवान दा भी, अगले कॉलर नाल भी गल करांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अलहमदुल्ला ठीक ठाक, कौन थे कितों ना कीजे ना कीजे तोड़ा। चलो कोई गल नहीं, ना ना दसो जी गुम नाम जे कॉलर ने, इन्हों का ना इन्हों के घर ने हले रखना है। अच्छा ठीक है जी, और मेनु ये दसो के फेस फेस मास्क उते की लिखाना चाहोगे? गुड बाय करोना, गुड बाय करोना, तुसी एल हा दे ना, गो करोना गो। अच्छा एक मैं तुम दो नारे मैं दसने, एक तो है हो गए गम लेकिन फिर भी बड़ा हिट होया सी नारा गो नवाज गो, ते हुण ज्यादा लोग कह रहे ने गो इमरान गो, तुसी केड़ा कहना चाहोगे, इमरान वाला या नवाज वाला? गुड बाय इमरान। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया गुमनाम कॉलर, होर कुछ कहना चाहते हो? अच्छा सारी दुनिया नु सलाम, ते जिन्नु कॉल मिलाई है उन्नु कोई सलाम नहीं, मेरे नाल कोई सलाम दुआ नहीं कीती। ठीक है जी, हसदे रहो, अपना ख्याल रखियो बहुत ज्यादा। अच्छा जी, ते इस अलावा सानू मोहसिन अवान इटली तो ज्वाइन करते ने जी, बहुत शुक्रिया वीरे दा, वेलकम हो गया प्रोग्राम च, बड़ी मेहरबानी। इस अलावा दुनिया भर जिथे भी सानू वेखदे हो साडे पेज ते, यानी कि facebook.com/hkfm97 यानी कि हमारे घर FM 97 दे ऑफिशियल पेज ते सानू ज्वाइन कर दियो, साडे लाइव ब्रॉड ते आंदे हो, सारेयां दा वेलकम करदे आ जनाब, और स्पेशली जेहड़े बाहर दे मुल्कां तों सानू वेखदे आ ना उहनां दा ते बहुत ज्यादा वेलकम। अच्छा जी, अगले कॉलर नाल गल करांगे। हैलो हैलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन थे कितों गल करते जे? ना तुहाडा मिस हो गया दोबारा। हबीबा रकीबा, माशाल्लाह बड़ा डिफरेंट जहा ना रखे मेरे यार तुसी भी। ए किन्ने रखिया सी ना तुहाडा? भाई ने रखिया सी, माशाल्लाह जी भाई फिर बड़े इंटेलिजेंट है जिन्ना एडा औखा ना रख दिता अपनी भैन दा। अच्छा रकीबा, मैनु ये दसो कि अगर तुहानू अपने फेस मास्क उते कुछ टैगलाइन लिखानी पवे या कैप्शन कोई देना पवे तो की लिखाना पसंद करोगे? पहनते ही नहीं मास्क तुसी? ओहो ये तो माड़ी गल, क्यों नहीं पाते? हुण ते पाबंदी लगी, जुर्माना भी कर रहे ने, फिर भी नहीं पहना तुसी? ते जे तुसी बाजार जाओ या बाहर निकलो तो जुर्माना कर रहे, पुलिस खड़ी हो आखे जी कढो 100 रुपया तुसी मास्क नहीं लाया, बाहर भी नहीं निकलते किसे काम भी नहीं, ते जे पुलिस फर्ज करो तुहानू पुलिस फड़ना ही पड़ना, मैं हुण तुहानू पुलिस दे सामने जरूर करा रहा, 100 रुपया जुर्माना तुहानू करना, उहनां तुसी मास्क नहीं लाया तो की करोगे? 100 रुपया दे दोगे मास्क नहीं लाओगे? मास्क ना लाने की वजह की है?
दिल नहीं करता, दम कुटद। ओहो, अक्सर लोगों में मसला है। चलो जी, थोड़ी सारी परेशानियां दूर करे रब की जात। और एक तरफा मुहब्बत हो सकती है या मुहब्बत का दो तरफा तो होना जरूरी है? नहीं हो सकती, दोनों पासों तो होनी चाहिए, यानी कि दवलियों होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रकीब, आपने बहुत सारा ख्याल रखे, दुआवां च याद रखियो। और जी बहुत जबरदस्त यही कॉलर सी के साडे नाल गुजरात तू और सोनी दे सोने जे शहर तू। और जनाब तुसी भी लाइव कॉल च आना चाहते हो तो आज 0537-6961 साडा नंबर आन ही तुहाडे वास्ते। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नहीं आ रही, हले भी नहीं आ रही। ओहो, चलो मैं कोशिश करना जी, मैं देखता मैनू। ओके ओके, कॉलर बैक टू बैक से और ना बैक टू बैक कॉलर से मेरे नु टाइम नहीं लगे अभी। चलो मैं देखना जी जी, मैं करदा जी करदा। देख लो जी, बस बहुत शुक्रिया सानू ये भी दसन लई। अच्छा जी, ते फिलहाल तुहानू गाणा सुनांदे आ ते फिर इहदे दौरान मैं भी वेखदा वा कि क्यों नहीं कॉलर दी आवाज आ रही, ते बाकी दीआं गल्लां बात जिहड़ियां ने फिर करांगे। और मैनू ये दसना तुसीं लाइव कॉल मिला के भी 0537-6961 ते कि अगर फेस मास्क जिहड़ा तुसीं लांदे हो ते कुछ लिखाणा पवे तुहानू, आखिया जे कोई टैगलाइन लिख लवो या प्रिंट करा लो या कुछ भी, तुसीं की लिखना पसंद करोगे और की लिखवाना पसंद करोगे? मुहब्बत एक तरफा भी हो सकती है या दोनों तरफा तो होना जरूरी है? और इस अलावा करना की है जी? हाँ जी, 0302-395-9797 से सानू जरा ना व्हाट्सएप या डीएम करना है, वो भी शामिल हो जाएगा। और इश्वा अयान कहते हैं बैलेंस को नीजे। अच्छा जी, और मोहसिन अवान कहते हैं ब्रो इतने 500 यूरो जुर्माना है। हाँ जी, मैंने पता है यूरोप च 500 यूरो और बहुत ज्यादा जुर्माने हुए ने। इवन मेरे एक फ्रेंड नू 500 यूरो का जुर्माना होया उ मास्क का, थोड़ा जिन्ना थले सी लाया उन्हें हैगा सी। इस वजह तू पाकिस्तानी हो, ध्यान कर लो थोड़ा, 1,00,000 रुपया जुर्माना अगर उसे देंदे ने, इतने 100 रुपया तुम कहते हो ईजीली जुर्माना देना, लेकिन मास्क अगर बंदा लगा ले तो कोई नहीं, हर एहतियात से जरूरी है। तो जिस बंदे ने बाहर ही नहीं जाना वो खैर घर के अंदर तो कोई नहीं एड्डा जरूरी, लेकिन बाहर अगर निकलो तो जरूर इस्तेमाल करो। और 2-3 होर एहतियात बहुत जरूरी है, जो भी तुम घरों बाहर जाते हो ना तो बाहरों वापस आते हो कि किधरों भी हो के आओ, आंदे साल पहले अपने हाथ पैर धो लो ते आराम सुकून, फिर तुसी बाकी कोई भी काम करो या किसी भी चीज नु तुसी टच करो, ठीक है ना? ते एहतियात जड़ी है ना बहुत जरूरी है, बाकी बीमारी तो शिफा जो है रब की जात देनी है, तो इंशाल्लाह देगी, इलाज भी आएगा, सारा कुछ होएगा और वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। बहरहाल जरा प्रोग्राम में मैं सीरियस पास से बिल्कुल नहीं जान देना, और तुसी मैंने दसना है कि तुसी की लिखवाओगे अपने फेस मास्क दे उत्ते। और आरजे जीजोर आगे वेलकम हो गया वीरे दा ऑस्ट्रेलिया, तू सानू वॉच कर देने जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सहरे अली बग्गा फीचरिंग आई एम अ बिग एंड ट्रैक फ्रॉम सीएस, आहा यानी कि कोक स्टूडियो विचों, और बहुत मजेदार जहा गीत असा यार मनावना है भावे सिर दी बाजी लग जाए। ब्रो अब कैसे हालात है पाकिस्तान के कोरोना के मुताबिक? कोरोना दे हवाले नाल अगर देखा जाए तो काफी जेड़ा ना ज्यादा होए है पहले नालों, और इस वजह तो लॉकडाउन भी इम्पोज जेड़ा कीता गया। मैं इनू थोड़ा जिना कट कर दे। अच्छा, लॉकडाउन भी इस वजह तो इम्पोज किया गया पाकिस्तान, क्योंकि कोरोना के केसिस जेड़ा ना ज्यादा हो रहे सन और फैल रहा है, और रोकथाम वास्ते स्कूल कॉलेजेस या जिन्हें भी कह लो कि इंस्टीट्यूट ने भी बंद ने, और हफ्ते च 3 दिन लॉकडाउन होंदा है, 4 दिन जिहड़ा है कारोबार होंदा है, तो बस इस तरह की सिचुएशन हैगी है। और शाम को 6 बजे मार्केट्स क्लोज हो जांदियां ने, और सिर्फ खान पीने एडेबल आइटम्स जिथों मिलदियां ने, टेक अवे जस्ट वो चीज़ा ओपन रहिंदियां ने, बाकी जिहड़ा है ना वो बंद हो जाता है। तो बस इदा के हालात फिलहाल चल रहे हैं, और दुआ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, रमजान च हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे कोरोना वालों। तो बाकी फिर सारी दुनिया के नाल ही, असी भी असी को वक्रे तो नहीं, बस असी दुआवें ही कर सकते हैं, और दुआ करते हैं कि बाहर वालों वास्ते भी आसानियां पैदा हों, जिन्हें भी साडे परदेसी भाई ने और जिन्हें भी साडे पाकिस्तानी ने और दूसरे कह लो कि मुल्कां दे विच वसदे ने, इत्थों गए ने अपनी अपनी मजबूरियां नूं होर उत्थे रह रहे ने, ते साडी जिहड़ी इहनां दुआ है कि अल्लाह ताला दी ज़ात उहनां दे जिन्ने भी मामलात या मुश्किलात ने उहनां विच आसानियां पैदा फरमाए। Up next, the cushion break. Stay tuned.
955 केसेस पॉजिटिव हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो ये तीसरी लहर है पॉजिटिव रेशो बहुत ज्यादा है। आप लोगों से गुजारिश है कि जो हमारे कोरोना के बचाव की फालतू तदाबीर है, जैसे कि फासला रखें, दूसरे से बच वाली जगहों पे मत जाए, रोजाना बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहने, पब्लिक गैदरिंग से अवॉइड करें, तो इससे हम लोग इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। बराए मेहरबानी घर रहें, अपने प्यारों के साथ सेफ रहें। शुक्रिया। ਓ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਮਾਰਾ ਖਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗਦਰਦਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ ਧਿਆਨ ਖਾ ਕੇ ਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਬਾਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਾ ਪਛਾਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਧੱਕੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰੀਆ ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰੀਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮਾਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਵਾਏਗੀ ਮਾਰੀਆ ਕੀ ਲਿਖਵਾਓਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਫੈਨ ਨੇ ਤੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਫੈਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੂਮ ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਨ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰ ਮੁਹੱਬਤ ਘਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਆਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਚ ਤੇਲ ਚੱਸਦੇ ਰਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜਨਾਬ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 0537-601-961 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਮੁਗਲ ਵੀਰੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਮਾਸਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਾ ਲਓ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਓਗੇ ਆਏ ਆਏ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘੇ ਅੱਗੇ ਅਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘੇ ਉਹ ਇਹੀ ਆਖੀ ਜਾਏ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਅਜੇ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਚੋਣ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਾਹ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਰਹੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਉਂਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜਿਉਂਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਿਰਾਂ ਚ ਤੇਲ ਚੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਮੋਟੇ ਤੇ ਥੋੜਾ 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 ਨੱਸਦੇ ਰਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ
और ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਨੇ ਜੀ ਇਥਨਸ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸੁਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ਼ਵਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਐਨਕ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਮਾਸਕ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਐਂਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਪਾਣ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਹੱਸੀ ਜਾਓ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਮੋਜ ਉਡਾਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਂਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਸਕ ਤੇ ਲਿਖਵਾਉਂਗੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਬਹਰਹਾਲ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਜੀ ਵਾਲੀਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨਾ ਖਾਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਇਕਰਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਸਕ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੱਕ ਵੀ ਫੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵੀ ਫੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਚੀਨੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੁਦ ਹਦੀਜਾ ਔਰ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਾਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਹੋਵਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਟੂ ਕਰਾਏ ਓਵਰ ਸਪਿਲਟ ਮਿਲਕ ਇੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਰਾਲੂ ਤੇਜ਼ਿਆ ਬਰੇਣ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇ ਕਰ ਹਾਏ ਪੜ੍ਹੀ ਨੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ ਤੂੰ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੀ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਉਂ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਮਾਸਕ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਵਾਏਗਾ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਫਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਓ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ 0537716961 ਯਾਨੀ ਕਿ 0557-6019961 ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ 0302-395-9797 ਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਮਜ਼ਾ ਮਾਸਕ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਰ ਲੋ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਆਈਟ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਉਂ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਸੋਫਾ ਡਾਹ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਮੀ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ
लो फिर लाखी जी तुहाडी कॉल। ओहो हो बैक टू बैक कॉल सा ना, इस वजह तो तुहाडी नहीं सी लग रही। ते बहरहाल जनाब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इसे तरह ही जनाब तुसी अपनी चाहत मुहब्बत का इजहार करते रहो, साडे नाल रहो, साडा साथ दिओ, होर जनाब जींदे हसदे वसदे रहो, यही कहना सी मैं तुहानू। अच्छा जी, ते फिलहाल जनाब एक होर तुहाडे लई जिहड़ा ट्रैक उपले कर दईए, की ख्याल है तुहाडा इस बारे च? ते लो जी फिर ट्रैक तुहानू सुना दिंदे आ, ते इस बाद एक निक्की जी ब्रेक होगी, उदों बाद असीं मुड़ के आवांगे, ते फिर तुहाडे जिहड़े सुने भी इधर आ रहे ने, जिहड़े कई कमेंट्स कर रहे ने उह भी शामिल करांगे, ते बाकी दीआं गल्लां बातां भी होणगीआं। ट्रैक बहुत जबरदस्त है, अबरारुल हक दी मैं कहना जी, बहुत ही वधिया जिही आवाज, और इन्हां दा साथ दे रहे बोहिमिया, और ट्रैक दा टाइटल की है जी पार, मैनू पार लंघा दे वे खड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। आह क्या आवाज यार, ओल्डी गोल्डी नंबर नू रीमेक कीता है, और इहदा रीमेक जिहड़ा हो रही है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ते इन इंजॉय करना जी, सुनते रहना हमारा खड़िया एफएम सामने मोहम्मद अमनान दे नाल, रौनक मेले तुसीं तकरीबन 4 बजे तक रहोगे, ते स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये टिंड कहां से आई है? अच्छा जी, उधर एक बंदे ने टिंड कराई हुई है, और टिंड तो बाद तो बिल्कुल ही अजीब लगन लग गया। वैसे सारे लोगों को टिंड नहीं सूट करती, कुछ लोग होंगे ने जिन्होंने सूट करती है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं करती। जी ब्रो, यूरोप में बहुत सूट करती है, क्या चीज सूट करती है जी? और कह रहे ने मोहसिन वान के, वैसे ही पूछा था आप तो माइंड कर गए हैं, आपका कमेंट अच्छे हैं इसलिए। अच्छा हुण होरे केड़ी गल तो तुसी करी जांदे हो गल्ला? टिंड का ब्रो, हाँ यूरोप च बहुत सूट कर दी, काफी सारे लोगों ने कराई, इवन एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड ने और उन्हों दा परमानेंट स्टाइल है जिहड़ा ना, ते उन्हों नूं सूट करता है, कुछ लोगों सूट करता है जिन्हों का सिर सही गोल होवे, ते जिन्हों का कह लो कि डिग डिग के बचपन च चिब खड़िब जे पे हो, उन्हां ते बिल्कुल नहीं सूट करता, डब खड़िबा जिहड़ा हुंदा उन्हां ते सूट नहीं करता। और टिंड अपने घर से आई है, अच्छा जी शिवायान कह रहे हैं टिंड अपने घर से आई है, क्या बात है। हाय, वैसे पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि कोई भी गाना लगे हुआ ना मैं फोरी उसकी पैरोडी जड़ी है ना बना लेना, कुछ कुदरती तौर पे मैं ऐसे ना आ जाते हैं कि सिमिलर नोट्स जड़े ना मैं बना लेना, तो जिदा कि गाना लगे हुआ तो अचानक मेरे ज़हन च आया कि मैं पार लंघा दे वे घड़िया मिन्नत तेरियां कर दी, मैं सूट सवा दे वे इत्थे कोई नहीं मेरा दर्जी। हाँ जी, मैं सूट सवा दे वे इत्थे कोई ना मेरा दर्जी। अच्छा जी ब्रेक लावांगे, तो ब्रेक तो बाद फिर आवांगे। Thank you.
मान कह देने जी एन जी गल ने ठीक है जी साहब बहुत शुक्रिया। बस जी निक्की जी ब्रेक है, ब्रेक खत्म होने वाली है, फिर असं रेडियो आवेंगे, फिर लाइव कॉलर जे आएंगे उन्होंने असं फन मजा करांगे। और इस तो इलावा अच्छा जी इधर मैसेजेस जेड़े आ ना व्हाट्सएप वाले या डीएम्स वो भी काफी सारे आए हुए हैं, वो भी शामिल करने बहुत जरूरी होंगे। Alright, this is none other than हमारे खड़गे FM 97. That's what you really want. Okay, जी मोहम्मद अमनान थोड़े नाल और प्रोग्राम रौनक मेला अद 3:02 का हो गया जी वेला तकरीबन 4 बजे तक मैं थोड़े नाल 1 घंटा प्रोग्राम का लंघ भी गया पता नहीं लगा। और इदा ही जनाब जिंदगी दे पल लम्हे और जरा ना हफ्ते महीने साल ते कह लो कि 10 साल ते फिर अगू सर्दियां जिहड़ियां लंघ जांदियां ने। अच्छा जी साडे नाल ने कोई कहंदे सलाम मानी भाई अकतरफा मोहब्बत निरा सियापा जे मास्क दे है इह के डिंगा मैं मास्क ते आओ ना डिंगा कदी खुशबू लगा के आहा। अच्छा तुसी कौन डिंगे वाले कि जेडे मेनू भी जानदे हो और मेनू मानी भी जानदे हो, तुहानू किने दस्या कि मेरा निकनेम मानी है। अच्छा जी बहरहाल बहुत शुक्रिया ते बड़ी मेहरबानी जी, मास्क नाल है कभी आओ ना डिंगा खुशबू लगा के, खुशबू मैं हर वेले लाई हुंदी है ते बस आण दी देर है। अच्छा जी इस तो इलावा जेड़ा ना कि साडे नाल ने सुफियान यूसुफ ने और मुजफ्फरगढ़ तो, और कहते इन्हां दा ख्याल है कि टॉपिक ते गल करिए ते प्यार हमेशा वन साइडेड ही होना चाहिए, टू साइडेड प्यार जे कीता ते की कीता। आए हाय हाय बाबा बुल्ले शाह दे फॉलोअर लगदे तुसी, ठीक हो गया। और कहंदे ने कि मास्क ते इन्हां ने लिखवाना कोरोना वास्ते लिखवाना चाहनगे के नो गो एरिया। वाओ इंटरेस्टिंग, नो गो एरिया अपने मास्क ते लिखया होवे जी नो गो एरिया, इधर किसे नहीं आना, इनके कोरोना दूर ही नस जाए, उन्हें पता लगे कि अगे बॉडीगार्ड खड़े ने। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया सुफियान यूसुफ तुहाडा। और इस तो इलावा व्हाट्सएप वाले हो किधर चले गए। और अच्छा जी कहते हैं जी हैलो भाई फुल पढ़ो जी मैसेज, फुल केड़ा पढ़िए जी। अच्छा जी और साडे नाल ने जी हाँ जुनैरा ने जी डोगा त्याल तू, ओके जुनैरा चौधरी और शो चंगा लगा बड़ी मेहरबानी। और कहते ने जी कि अपने मोस्क पे लिखवान गए कि रिस्की जट मैं खदीजा एंड जुनैरा फ्राम। अच्छा जी ठीक है जी, डोगा त्याल लिखना से कुछ और लिख दिता ने, सॉन्ग प्ले कर दियो तेरी याद विच लिख लिख के असी शायर हो गया। ओए होए होए यानी कि तुसी अपने आप नु गालब यानी कि तालब समझ लग पे हो। ते इस तो इलावा जी वंस अगेन हदीजा एंड जुनैरा, होर किन्ना को मैं तुहाडा पूरा मैसेज पढ़ा, पूरा तो पढ़ लिया। अच्छा जी और इस तो इलावा जी साडे नाल ने वहीद और मूसा ने खटाणा तू, और कहंदे ने स्वीट ब्रो क्या हाल है, आहे मैं इन्ना स्वीट वेखियो किधरे कीड़ियां ही ना चढ़ जाण मेरे ते। और कहंदे ने कि कोरोना दे तेरा सत्या नाश हो जाए, खत्म हो जा और प्लीज। अच्छा जी और टेरसर लव और दिलशील बना के सानू भेजे, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी तुहाडियां चाहतां मुहब्बतां दा और नवाजिशां दा। और इधर ईश्वा यान आ गए ने और कहंदे ने कि हम क्या दुश्मन है सारे हमारे, क्यों नहीं रीड कर रहे हैं, हम क्या दुश्मन है सारे, तुहाडे रीड ते कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे, इवन जेडे मेरे सामने शो हो रहे हैं मैं सारे रीड कर रहे हैं, बाकी तुसी आपस च जेडियां गल्लां करी जा रहे हो पढ़न दा मैनू की फायदा, उहदे च ना मेरा कोई लैणा ना मेरा कोई देना, ठीक है ना। ते मोहसिन वान गए ब्रो सॉन्ग लगाना है तेनू किथे रखिया है, तेनू दसिया ही ना। अच्छा किथे रखिया है, दसिया ही नहीं, यानी कि डूंगी किसी जगह ते रखिया है। अच्छा जी गाना मैं लाना है लेकिन फिलहाल तो मैं गाना लाना चाह रहा बहुत जबरदस्त जहा, और ओ हैगा जे मुराद हुसैन यानी कि नसीबो लाल दा पुत्र। हाँ जी नसीबो लाल और इन्हों दा सन मुराद हुसैन, इन्हों दोनों दी बहुत जबरदस्त जी आवाजा भी, ट्रैक टाइटल है जी अड़िया तू अड़िया ते अड़िया ते अलड़ दी जान ते बनी आया है, क्या ट्रैक है जी इंजॉय करना इन सुनते रहना हमारा खा गया FM 97। अच्छा इशवा कहंदे ने जी टॉपिक ते है वे के देख मगर प्यार से, ओए होए ते है नहीं वैसे सही कि तू लंघ जा साडी है रे ते या बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, होर इन्नियां मजेदार गल्लां हो सकदियां ने, की हो गया तुहानू, कोई क्रिएटिविटी दसो मैनू, कोई डिफरेंट जी गल दसो जिहड़ी किसे ना आखी होए।
अच्छी मोहसिन अमान कह रहे ने कि नहीं ऐसा है, देख जरूर मगर नहीं देख जरूर मगर प्यार से इश्वा। अच्छा जी, और तो ये किसी ने नहीं बोला, मैंने बोल दिया देख मगर प्यार से पहले बोले किसी ने, किसी ने लिखा सी? बनी बेड़िया तू अड़िया अड़िया लड़दी जान के बनी ऑलराइट जी, मैं गया जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं गया जी, हेलोज एंड हाइज गर्ल्स एंड गाइस, बेबीज एंड बॉयज, अंकल एंड आंटी, ऑल द भाजी एंड ऑल द भरजाइयां, चाचे मामे फुफियां ताइयां, ते जिन्ना तुहाडे जम्मण उते खुशियां मनाईयां, उन्हां सारियां नूं छड़िया होइयां ते व्याहियां ते कुआरियां नूं जीआं नूं कहिंदे जिन्हां प्रोग्राम रौनक मेला विच करी। फिर मुहम्मद अमनान तुहाडे नाल, सैनल लाइन ते कॉलर मौजूद ने, गल करांगे। कॉलर हैलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुल्ला ठीक ठाक मामू जी, तुहाडा की हाल है जी? जी जी मामू गल कर रहे हो? हां जी वेल, मैं कह नहीं दिता जी, रब दा शुक्र है ठीक ठाक, तुसी सुनाओ वधिया हो? ते मास्क मूस्क लांदे हो के कोई ना? पक्का लांदे हो? वधिया गल है। ते सोने ईद मुबारक आए। और तुसी सवा महीना पहला ही, तुसी महीना सवा पहला ही ईद कट मारी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो फिर ईद वाले दिहाड़े की आखोगे? हैप्पी बर्थडे टू यू जी। अच्छा तुसी भी जमनाई हो? ओए होए होए, क्या बात है जी। जून विच? लेकिन मैं जून दे शुरू ची आ गया सी, मैं क्या जून दे पता नहीं आना कि नहीं आना, मैं ते आवां, मैनू बहुत जल्दी सी। अच्छा लेकिन मैनू बहुत जल्दी सी, मैं क्या कि जून ते ऐ ना होए लंघ जे सारी गर्मी, ते मैं पहला ही आ जा। जून दे शुरू च मैं आया, सारा जून मैं अपनी अखां नाल वेख्या सी। अच्छा कौन केक कटदी सी टीवी ते? अच्छा बेनजीर भुट्टो, किस वजह तू? उस दिन केड़ा दिन है जी, 21 जून नु की होया सी? अच्छा उन्हां दी अपनी। मैं क्या कि मतलब एडे तुसी किधरों हो गए कि बेनजीर तुहाडे वास्ते केक काट रहे? अच्छा अच्छा ठीक हो गया, क्या बात। फिर तुसी लकी हो ना कि तुसी कह सकते हो कि मेरी बर्थडे पीटीवी ते भी सेलिब्रेट कीती गई है। क्या बात है, वधिया हो गया। फिर ते मैनूं ये दसो कि मुहब्बत जिहड़ी है, जे अगले बंदे नूं ना होवे ते हुण बंदा धक्के जोरी ते नहीं कह सकदा कि भाई तू ही कर। हां जी अच्छा अच्छा, नहीं झुकते बंदे, कई कहंदे ने नहीं है सानू, कर ले जो करना ही। अच्छा हाय 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 हाय, क्या बात है। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਖੁਸ਼ ਹਲਾਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਸ਼ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਸਿਰਾਂ ਤੇਲ ਚੱਜ ਰਹੋ। ਮਾਮੂ ਜੀ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਂਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹੇ ਟਰੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 0537 601 961 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ, ਔਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
यूज करते हो अगर कुछ लिखवाना हो लिखवाना चाहोगे। और इस अलावा मोहब्बत की एकतरफा भी हो सकती है, दोनों तरफा तो होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अशद जरूरी है। अच्छा जी मोहसिन अवान इटली तू साढ़े नाल क्या जी मान लेने सब तू पहले तुसी क्या है। अच्छा जी और इशवा कह रहे थे कि मास्क उते ना लिखवाना कि देख मगर प्यार से, ते मोहसिन कह रहे हैं कि तुसी ये लिखवाओ कि देख मगर प्यार से, नहीं कुछ हो रहा है कैसी। और कहते ब्रो सॉन्ग लगा दो सानू तेरे नाल प्यार हो गया, ओए होए होए, और एक सॉन्ग मैं तेरे पीछे पीछे आवा। तुसी एडा पीछे पीछे क्यों जांदे हो, राम स्कूल नाल अपना काम करो, किसी से पीछे नहीं जाइदा होंदा। सियाने कहते हैं कि कोई मिडल स्कूल होंगे तो टुट गया सजना दे रात तकने फजूल होंगे। बहरहाल जनाब बहुत जबरदस्त है ट्रैक एंड मूवी का नेम हैगा जी तेरी मेरी लव स्टोरी, ट्रैक टाइटल भी यही हैगा एंड ओएसटी एदा इंजॉय करो तुसी फिलहाल। हाँ जी आ गया मूड बना के स्टे ट्यून हमारा करिए एफएम 97 लाइव विद मोहम्मद अमदान इधाई है म्यूजिकली योर्स। हाँ जी जंदरे विच चाबी है साड़ियाँ नब्जा विच लम्मी चौड़ी खराबी है जिदा कोई इलाज नहीं, हाय 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 क्या बात है। अच्छा जी होर इधर इशवा यान कहते अज इन्होंने अम्मी पूछा कि बिरयानी बनावा या खिचड़ी, ते अम्मी कहते ने पहले बना ले ना बाद च रख ली क्योंकि इशवा यकीन जैसी बिरयानी इशवा बनाती होनी है ना वो बिरयानी कट ती खिचड़ी बनती होनी है, पर मेरे ख्याल तो खिचड़ी भी नहीं बनती होनी है, उन्होंने ना खिचड़ी आख्या जा सकता ना बिरयानी, हलवा भी शायद कह लो तो चल जाएगा। अच्छा जी मोहसिन अवान कहते हैं ब्रो इनी कोई गल नहीं वैसे सॉन्ग अच्छा है इस वास्ते। अच्छा जी हसते केडा हो तुसी है क्या बात है, हसते रहो जी ऐसा ही हसना चाहिए चंगी गल है, और हसदे हसदे हो सकता है तो टूथपेस्ट वाले जो सिलेक्ट कर लेन कि मुंडा हसता कि सोने दंद कि सोने ने इन अपनी मशहूरी च लै लो। अच्छा जी और कहते ने अच्छा इशवा यार कहते मोहब्बत का तो पता नहीं मेरी तो रेंज ही होनी है इस वास्ते के है ही नहीं एक तरफा ते एक तरफा ही कहते ठीक होंगी है। आह अच्छा एक तरफा ठीक होंगी है, ठीक है जी लो जी ब्रेक गई मुख ते हुण असीं आवांगे रेडियो ते लाइव बस ते फिर गल्लां बातां करांगे, देखदे हां जी कौन हुण साडी लाइव कॉल ते आंदा है और की कहना चाहुंदा है।
ਵਾਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਇਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਨਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ 3:17 ਦਾ ਵੇਲਾ ਔਰ ਇਸਮਾ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਇਸਮਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਧਰ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਅੱਛਾ ਇਸਮਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸਮਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਬ ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਤੇ ਜੱਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਟ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਫੇਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਸਈਦਾ ਤਾਇਰਾ ਨੇ ਡਿੰਗਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਈਦਾ ਤਾਇਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਈਦਾ ਤਾਇਰਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਵਾਲਿਕਮ ਸਲਾਮ ਅਫਸ਼ਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੈ ਮਨਾਨ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਫਸ਼ਾ ਜੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਮਰਾਨੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਕ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਵਾਲਿਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਸ਼ੋ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਔਰ ਫਨੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਔਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਲਾਲੀ ਫੈਸਲ ਚਿੱਟਾ ਇਰਫਾਨ ਮੈਸਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੂਠਾ ਲਾਲੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਯੂਸਫ ਅਲਵੀ ਫਰਾਮ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਓਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਧਰ ਰਾਹਿਦ ਲਤੀਫ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਤੇ ਨੀ ਰਾਹਿਦ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਡੀ ਉਹਦੇ ਚ ਐਸ ਏ ਮਿਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਿਦ ਕਿੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਲਤੀਫ ਫਰਾਮ ਡਿੰਗਾ ਵਾਲਿਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਕਿਊਟ ਵਾਇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵਾਲਿਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਨਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਾਲਿਕਮ ਸਲਾਮ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲਰਸ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਨਾਲ 0537-601-9961 ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਨਾਬ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਹਸੀਨ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਹੀਰ ਲੋਹਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਪਾਪਾ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਦ ਪਲੰਬਰ ਹੁੰਦਾ
ਬਰਲ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਹਾਏ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੋਹਸਿਨ ਅਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮਨਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਬੈਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੌਂਗ। ਅਲੀ ਸਫਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਕੈਸੇ ਹੈ ਸਭਾ ਨੇ ਜੀ, ਹੈਲਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋ ਤਰਫਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਹਲੋ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਦਰਦੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤਹੁ। ਅੰਕਲ ਰਫੀਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਰਫੀਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਾਸਕ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਰਹੋ ਤੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਓਗੇ? ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 1959, ਯਾਨੀ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਾਲਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰਫਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਕਲ ਰਫੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ ਰਫੀਕ ਜੀ।
आ ही जाने हैं। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया, इतना मोहब्बत का इतना चाहता ना। जी जी पहुंच गया जी उत्थे तक भी, बहुत शुक्रिया जी। उन्दे हसदे वसदे रहो, होर सिरां च तेल चसदे रहो, और बड़ी जबरदस्त जी गल्लां बातां करदे ने अगर रफीक, और हर प्रोग्राम च इन्हां दा पॉइंट ऑफ व्यू जिहड़ा डिफरेंट हुंदा है और निवेकला जिहा हुंदा है। अच्छा जी, ते फिलहाल जिहड़ा ट्रैक शामिल कर लैंदे आ कि असी असी डुबदे डुबदे वी की सी, असी लिखदे लिखदे वी हुण शायर हो गए, तेरे प्यार च लिख लिख के असी शायर हो गए। मैं ते गाने ते पता नहीं की करते तिया पांचा करता है, लेकिन जनाब सरमद कदीर दी आवाज जिहड़ी है शामिल प्रोग्राम कीती है और बहुत जबरदस्त है ट्रैक। और इस बाद ब्रेक होगी, फिर मुड़ के आवांगे। स्टे ट्यून, हमारा घर एफएम 97। प्रॉफिट के लिए 20 साल तक के लिए हासिल।
ਹਾਏ ਵੇ ਜਾ ਵੈਰੀਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਵੈਰੀਆ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਨਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ 3:33 ਦਾ ਵੇਲਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 5376918 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 71% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਇਸ਼ਵਾ ਔਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਬੂਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੀ ਏਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਬਲਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰ ਮਟਰ ਛਿਲਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਟਰ ਛਿੱਲੇ ਜਾਣ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕ ਪਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਲਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਘੁਮਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪ ਇਟਲੀ ਗਏ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਘੁਮਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਟਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਚ ਆ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਮਿਲਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ 0537601961 ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਵੀਏ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਲਿਖਵਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਓਏ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨਾ ਗੁਜਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾਪਨ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਦੀਜਾ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਝਾਲ ਤੂੰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਲਿਕਮ ਅਸਲਾਮ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਵੀਲਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਪਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੌਂਗ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੰਗ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਗੈਰ ਟਰਾਏ ਨੀ ਲਜਪਾਲ ਹੋਨੀ ਗਮਖਾਰ ਹੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਏ ਨੀ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਸਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਨੀ ਜਿੰਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਟੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਰਾਏ ਨੀ ਆਏ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤੇ ਆਦਤ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਬੀਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਅਗਰ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਓ ਕਿਆ ਵੀ ਬਾਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਫੱਟ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਰਾਂ ਚਿੱਟ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੇਡ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਹੈ ਆਏ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਇਆ ਪੜਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਦੀਜਾ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਨੇਮਤੋਂ ਕੋ ਜੁਟਲਾਓਗੇ
क्या बात है जी, क्या ही बात है, बहुत आला और बहुत ज्यादा तुसी मैंने हसाया। अगले कॉलर ना गल करांगे ते कॉलर बेचारे कॉल में लाम लाग थक जांदे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन थे, किथू? अलहमदुल्ला ठीक ठाक। अफशा दुआ और उम्मीद करते हैं तुसी भी ठीक ठाक होवोगे, फिट फाट होवोगे। ते अफशा की कहना चाहते हो तुसी, मास्क उत्ते की लिखवाओगे? ओए की करिए हुण, अच्छा मास्क उत्ते की लिखाना चाहोगे? प्रोग्राम सुनिया होना, कह दियो जो भी कहना है। मैं क्या, तुसी ते प्रोग्राम सुनिया होना है ते जो कहना चाहते हो कह दो। सही, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहोगे? हेलो, जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, जिंदे हंसते वसते रहो और अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, ठीक है जी। ओके जी, और फिलहाल मैं ना ट्रैक प्ले करने वाला सी तुहाडे वास्ते ते मैं सोचा कि ठीक हो गया। अच्छा जी, और लड़कियां ते छोटी छोटी गल ते खुश हो जांदियां ने, लेकिन अगर कोई कह दे कि मैं अज बहुत खुश हां ते ठरकियां दी पता नहीं पहली सोच लो ऐसी शादी, पता नहीं की, मैनू नहीं समझ आ रही। अच्छा अगले कॉलर गल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? जी हरी है, ठीक ठाक, कौन है ते किथों? जनाब राजा कबीर मेमराबाद से कबीर खरी जी से बात कर रहे हैं। आए राजा जी, की हाल है तुसाने? जनाब अल्लाह पाक दा शुक्र है, अस्सी साल असि वधिया एकदम लाश पाश। ते राजा जी मास्क लाने हो? जनाब मास्क ते जदी क्या ते जनाब सुते में मास्क ला के की? ओए होए ओ सुते ना लाया करो, सारी ना बंद हो जे, कहानी मुकी ना जे। अच्छा मास्क, अच्छा मास्क उत्ते की लिखाना चाहोगे राजा जी? जनाब मेरी तरफ से जनाब तमाम सारा लगे अस्सलाम वालेकुम का लव ग्रुप की मेरी तरफ से, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया राजा जी, जींदे हंसदे वसदे रहो, सिरां च तेल चसदे रहो जी। नरगस आके ने सानू जम्मू एंड कश्मीर तू और शो नाइस लग रहा, बहुत शुक्रिया ते बड़ी बड़ी मेहरबानी। और इश्वा पता नहीं की लिखिया सीगा ते मेरे को नहीं पढ़िया गया सारा मैसेज तेरा। अच्छा जी, लेकिन मैं ट्रैक तुहानू सुनाना चाह रहा सी, मजर राई और फिजा अली कह रहे ने के की कह रहे ने, लेकिन कॉलर आ रहे ने बैक टू बैक, पहले कॉलर लवांगे जनाब, गाना बाद च। अच्छा जी हेलो जी, वालेकुम असलाम, कौन ते किथों? हेलो हेलो, वालेकुम असलाम, कौन थे कितों गल कर दे जे? हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही लगता थानू ते बरल जनाब, दोबारा ट्राई कर लेना, मैं कोशिश करूंगा लाइव थोड़ी ले सका। और फिलहाल जनाब मेरा ढोल इस्लामाबाद दा मैं नाज करेंदा हाँ, व्हाट अ सॉन्ग यार, एंजॉय करना इस गीत ने और सुनते रहना हमारा खर गया एफएम 97। हाय मोहसिन नवान साहब आवाज नहीं दे सकते, फेसबुक वाले पता की कहंदे जे, फेसबुक वाले कहंदे ने कि तुसी गाना पीछे चला के ते नहीं तुसी वीडियो नहीं कर सकते, तो जे मैं थोड़ी जी आवाज दे दिया तो उन्होंने वीडियो नु खत्म कर देना, जे ते साडा पेज बैन बून सब कुछ कर देना उन्होंने, की करिए पाबंदियां हर पासे, इंसान जिहड़ा पाबंदियां च घिरिया होया। मैं तो चाहना कि मैं बिल्कुल आजाद हो जा, मैनू आजादियां होन, मैं इधर नचा उधर फुमणियां पावा भंगड़े पावा जो मर्जी करा, अद्धी अद्धी राती उठ के ते मैं रोला पावा, पता नहीं क्यों मैनू इहो जे दिल करदे ने, लेकिन की करिए असीं पाबंदियां च फसे होए आ, ऐदा असी कर नहीं सकते, अद्धी अद्धी राती उठ के मेरा शरारता करने नूं दिल करता है। अच्छा जी, ईश्वर यान कहंदे ने कि नाई के भी आंसू निकल आए जब एक आदमी आकर कहता है बाल इतने छोटे कर दो कि बेगम के हाथ में ना आए।
अच्छा जी मोहसिन अच्छा जी असलावा जी ठीक है जी हासे हुसे हो रहे ने ठीक है जी वधिया गल है और जिन्हें लोगों ने हले हले सानू ट्यून किया ज्वाइन किया या वेखना शुरू किया उन्होंने वेलकम करते हैं जी बहुत शुक्रिया सानू ज्वाइन करने का प्रोग्राम रौनक मेला विच आउण दा और जनाब साडे नाल कह लो कि हासियां खेडियां पाउण दा हां जी मैं क्या किदा सुने हो की हाल चाल है कौन कौन थोड़े नाल है अते प्रोग्राम दा वेला भी मुकण वाला हो गया जी और असि थोड़े बाकी जेडे सुनेहे आ ना वो शामिल करदे चलिए जी रौनक मेला विच किन्ने किन्ने सानू मैसेज कर लिया वालेकुम सलाम जनाब प्रोग्राम नाइस लगा ते बड़ी मेहरबानी थोड़ी और शो नाइस लगा ओके और कहंदे ने सारे लिसनर नु पाक आर्मी स्पेशल सलाम अंकल रफीक नु सलाम और तीन काले दोस्त इकट्ठे जा रहे सन ते राह विच इक ना इक इक एक परी मिलती है अच्छा जी ते परी अच्छा परी लिखे है परी और परी कहती कि एक एक ख्वाहिश दसो मैं पूरी करा दी पहला कहता है मैनू गोरा और खूबसूरत कर दे परी ने कर दिता दूजा कहता है मैनू इंजदा कर दे के बस दूजा कह रहा कि मैनू इंजदा कर दे परी ने उन्हें भी कर दिता तीजा कहता है जोर जोर रस लगा परी ने आख्या कि भाई तू वापस दूजे ने क्या मैनू भी ओदे नाल दे ही कर दे ते परी ने कर दिता ते तीसरा जोर जोर हसन लग पाया और फिर बोलिया कि इन्हों वापस उंजदा ही कर दे अच्छा तीसरे ने आख्या कि इन्होंने दोवों पहले हार कर दे क्या बात जी ला रैम बहुत अच्छा जोक सी लेकिन मैं उसकी टाइमिंग अच्छी नहीं कर पाया दैट्स माई मिस्टेक ओके और हदीजा कहंदे ने शरीफ है हम किसी से लड़ते नहीं लेकिन मियां जी जमाना जानता है हम किसी से डरते नहीं और पलट कर बस यादें आती हैं वक्त नहीं आए है ते बाबा जी अगू किन्ने कहना सी बाबा जी खा रही
अच्छा जी, ते इस इलावा जी कहंदे ने आजा ते बैजा चाय पी लै, ओए होए होए ठीक है जी, खाके लाची वाला पान पैसे कटदा कटांदा, मैनू वेखदा सोंग प्ले कर दियो, अज ते सोंग ला दियो, क्यों जनाब वो पैसे कटदा कटांदा तुहानू क्यों वेखदा, तुहाडे सिर ते कोई सिंग लगे ने, तुहानू किहड़ी ऐसी खास वक्री चीज है कि तुहानू इन्ना वेखी जांदा, मैनू इस गाने दी अज तक वैसे समझ नहीं आई। वैसे उमैरा अरशद ने बहुत चंगा गीत गाया, लेकिन गाना वैसे बहुत मजेदार है, लेकिन लेकिन फिर भी क्यों वेखी जाता है, टुट पैना वेखदा क्यों है। और कहंदे ने जी पढ़ लो ना फुल, फुल ते पढ़ लिया होर किन्ना मैं पढ़ा, इन्ना ही मेरे को लाया। और इस तो इलावा जी कहंदे ने जी बाबा जी सोंग लगा दे, आए हाय हाय बाबा जी कोशिश करते हैं, तो कहे कहे जी हाँ तुम मेरे फरमाइशा पाते जे, और मैं अरशद मैं कितों इतों लभा जी, अच्छा जी मैं अरशद लभदे आ तो फिर ला दें। वैसे बाबा जी रातू तुम कह रहे हो शायद, तो मैं ना ला देना जी, तुम भी की याद कर दे। वो सी गाने का टाइटल की सी पैसे कढ़दा कढ़ांदा मैनू वेखदा, बंदा पूछे तेनू और कोई काम नहीं, तू एक ही काम करी जाना, किसी होर पासे वेख ले, होर रहने दुनिया ते ना कोई जान ना पछाण, एवें बनी फिरदा धक्के दा मेहमान ते खाके लाची वाला पान। लो जी ये ट्रैक फिर ओल्डी गोल्डी नंबर थोड़ी नजर करन लगा जे, आते इतों बाद फिर मुड़ के आवांगे होर गल्लां बातां पावांगे। अच्छा जी शिवा यान कह रहे हैं कि उन्होंने नाल उन्होंने दी नी से, अच्छा जी ते इधर तो मैं कल्ला ही हां ते मेरे नाल भी मैं ही हां, ते मेरे नाल माइके ते एक होर माइके ते एक परा माइके, एक इत्थे लाइट लाइटां भी दो तीन ने है, एवें ते नहीं एडा चिट्टा आंदा बंदा। अच्छा जी, और जनाब बहुत शुक्रिया सारे लोगों का जिन्हें लोगों ने भी सानू ज्वाइन किया। और शिवा कहते हैं कि इधर भी चानन पाओ, आए हाय हाय चानन उधर ही है जी। अच्छा जी शिवा कह रहे इन्हों का एक कमेंट रह गया, केड़ा शिवा कमेंट थोड़ा रह गया है, मैं तो सारे पढ़े ने। और कभी अपने दोस्त की सच्चाई के इम्तिहान लो, क्या पता उस वक्त वो मजबूर हो और तुम गलत फहमी में एक अच्छा दोस्त खो बैठो। ओए होए मुसलमान साहब सीरियस वाली गल्लां, यानी कि अच्छिया अच्छिया चंगिया चंगिया गल्लां, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। इशवा जरा उस कमेंट नु तुसी मेंशन करो जिहड़ा रह गया।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈ ਵਾਲਾ, ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਨੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਏ ਜੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮੋਹਸਿਨ ਅਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌਂਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਥੈਂਕਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੁਬਾਹ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪੀਤਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਵੇ ਬੁੱਲਿਆ ਪਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੁਆ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹਯਾਤ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।